देखिए बदल गया है मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश की सौगात मिली है। कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो उमस भरी गर्मी थी उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग बहुत परेशान थे गर्मी से। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आज का ये सवेरा राहत से भरा है क्योंकि ठंडी फुहारों ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जहां रोज उमस गर्मी और चिलचिलाती धूप सवेरे से ही स्वागत करती थी लोगों का, लेकिन आज की सुबह ऐसी नहीं है। आज की सुबह की शुरुआत लोगों की ठंडी हल्की फुहारों के साथ हुई है दिल्ली एनसीआर में, जहां पर बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। आज की सुबह रोज जैसी नहीं है और मौसम का ये यू टर्न है। कैसा टर्न है जरा देखिए कि सड़कों पर आज कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जहां हरे भरे ये पेड़ बारिश से धुल गए, सड़कें धुल गईं और लोगों को घर से निकलने पर सूर्य देवता के दर्शन नहीं बल्कि बूंदों की फुहारें देखने की मिली और बारिश देखने को मिली और इस वजह से मौसम सुहाना है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम से थोड़ी राहत मिली है क्योंकि सुबह 6 बजे से ही सूर्य देवता एकदम प्रकट होकर के अपने काम पर लग जाते थे जया, लेकिन आज की सुबह ऐसा नहीं है। गंगा सवेरा की शुरुआत हम इन्हीं तस्वीरों के साथ करते हैं जहां पर आज सवेरा ठंडक भरा था। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज शुक्रवार को यूपी में जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज से पहले यूपी में सख्ती है। यूपी के हर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बताएं कि प्रदेश के कई शहरों में ड्रोन का पहरा है। पिछले 2 शुक्रवारों को हिंसा हुई थी, जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, लेकिन आज इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर सख्ती बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए सभी संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील किया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से सख्ती से निपटने की तैयारी है और इसके साथ पुलिस को यह फ्री हैंड दिया गया है। सीएम योगी ने निर्देशित किया है कि आप हर शहर में फ्लैग मार्च कीजिए और ऐसा करते हुए दिखाई भी दिए। संवेदनशील इलाकों पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। यहां पर कोई भी कोताही बरतने की नजर में उम्मीद में नहीं रहेंगे क्योंकि देखिए जितने सेंसिटिव एरियाज हैं सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, वीडियो कैमरा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी रख ही रहा है, हर हाल में शांति व्यवस्था बनी रहे इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, संभालिए अपने अपने जिलों की कप्तान और हर एक कंडीशन से तैयार रहिए निपटने के लिए, शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए। अपने इंटेलिजेंस को दुरुस्त कीजिए, पता लगाइए और इसके साथ ही धर्म गुरुओं से संवाद भी किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की मांग की गई है। थाना स्तर की अगर बात करें तो पीस कमेटी की बैठकें भी हुई हैं। सिविल डिफेंस के कर्मियों को भी जिम्मेदारी मिली है शांति व्यवस्था बनाए रखने की। यह जिम्मेदारी इन 3 तस्वीरों को देखिए, चाहे कानपुर हो प्रयागराज हो, जहां पिछले 2 जुमे से शांति नहीं देखने को मिली, पत्थर देखने मिले, नारेबाजी देखने मिली, पुलिस कर्मियों को चोटें आई, लेकिन अब आज निगरानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि हर एक एंगल से सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल स्नेहा, और देखिए आज जुम्मे की नमाज है और इससे पहले पुलिस ने शहर शहर फ्लैग मार्च भी किया है। लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि वो किसी भी अफवाह में ना आए। और अब आपको देखिए 7 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं अलग अलग जगहों की। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके साथ ही कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर और हापुड़ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तमाम जगहों पर पुलिस के अधिकारी फ्लैग मार्च करने के लिए सड़कों पर उतरे। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है क्योंकि आज 17 तारीख है, शुक्रवार है और आज जुम्मे की नमाज है और उससे पहले किस तरीके से अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अमरोहा, बुलंदशहर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, जालौन, यहां पर भी पुलिस प्रशासन ने जुम्मे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया, सुनिश्चित किया कि गलियों में शांति व्यवस्था है, कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा सकता है और यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि इतने दल बल के साथ हम सुरक्षा में मुस्तैद हैं, लगे हुए हैं। अगर षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है तो उससे निपटने के लिए यही टीम भी आपको गलियों में दिखाई देगी। देखिए गोरखपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, प्रयागराज, कानपुर, उन्नाव और आगरा, यहां की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने गलियों में उतर करके लोगों को संदेश दिया है कि कोई आवश्यकता नहीं है शांति और कानून को अपने हाथ में लेने का। जहां पर अगर किसी भी तरीके की षड्यंत्र की स्थिति में हो तो अभी भी इस प्लान को रोकिए क्योंकि पुलिस मुस्तैद है।
देखिए जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाके की अगर बात करें तो वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि छतों पर पत्थर या हथियार कहीं किसी ने इकट्ठा तो नहीं रखे हैं, और रखे भी हैं तो वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और संवेदनशील इलाकों की हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस बल के साथ ही पीएससी के साथ आरएएफ को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। यूपी में आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी, ऐसे में जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सड़कों और गलियों में पुलिस मुस्तैद है। प्रयागराज में जुमे की नमाज को लेकर शहर को 50 सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 300 सीसीटीवी कैमरों और 4 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यही नहीं, 200 से ज्यादा वीडियोग्राफरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद से पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने पुराने लखनऊ के संवेदनशील मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस की गाड़ियां, बाइक और पिंक स्कूटी लगातार हुटर बजाती देखी गई। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मेरठ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से अमन चैन कायम रखने की अपील की। जुमे की नमाज को लेकर गोरखपुर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर आसपास के संवेदनशील इलाकों की घरों की छत पर निगरानी की। जिन घरों की छत पर ईंट पत्थर दिखाई दिए, पुलिस ने उन्हें फौरन हटवाया। देवबंद में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में कई थानों की पुलिस शामिल हुई। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी कि अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया गया तो कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हापुड़ में नमाज से ठीक पहले सभी मस्जिदों पर आला अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस संवेदनशील इलाकों की मस्जिदों के आसपास के मकानों से ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। अमरोहा में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। बुलंदशहर में पुलिस ने शहर में अमन शांति के लिए पैदल फ्लैग मार्च किया, साथ ही लोगों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो नमाज के बाद सीधे अपने घर जाएं। सीतापुर में शांति कायम रहे, इसके लिए पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में जुमे की नमाज से पहले पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे और सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से मिलकर शहर में शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की। जुमे की नमाज को लेकर उन्नाव के डीएम और एसपी ने पैदल मार्च निकाला, साथ ही धर्मगुरुओं के साथ बैठकर अमन शांति बनाए रखने की अपील की। जालौन में जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सद्भावना यात्रा निकाली। पुलिस ने इस दौरान लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस की इस कदम की सराहना करते हुए लोगों ने फूलों की बारिश की। कानपुर और प्रयागराज में हिंसा के बाद पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही। धर्मगुरु भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करें या फिर अपने घरों में ही नमाज पढ़ें, किसी के बहकावे में ना आए और माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जुमे की नमाज का पहरा क्या है ये आपने देखा और जो तैयारियां हैं वो आपने समझी, लेकिन आज की सुबह किस तरीके की आबोहवा है, किस तरीके से कानून व्यवस्था शांति को लेकर कॉम्बिंग चल रही है, तैयारी चल रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से, जो कि लखनऊ में मौजूद है और लखनऊ से ही तमाम जगहों की शांति व्यवस्था पर निगरानी रख रहे हैं सीएम। किस तरीके की जानकारी आ रही है विवेक? निश्चित रूप से इसने लता, देखिए आज का दिन अग्नि परीक्षा का दिन है। चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि पिछले दो जुमा से लगातार हिंसा, उपद्रव, आगजनी, पथराव हो रहा है। कानपुर से शुरू हुआ, प्रयागराज तक पहुंचा, उसके बाद अब
बरेली में जिस तरह से धर्मगुरु ने वहां पर कॉल की थी, हालांकि उसको टाल दिया गया है, जो उनकी कॉल थी उसको आगे संडे को कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने जुमे की नमाज के बाद लोगों को बुलाया था और विरोध प्रदर्शन का एक ऐलान किया था। इसको लेकर सेंसिटिविटी बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे संवेदनशील है और जिस तरह से प्रयागराज में उपद्रव हुआ उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील सहारनपुर में भी उसी तरह से उपद्रव हुआ और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज के बाद सहारनपुर से हुई है। सहारनपुर, हाथरस, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार उपद्रव की आशंका बनी हुई है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी यही है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वहां बरेली के जिला प्रशासन ने वहां पर हेलीकॉप्टर भी मांगे थे ताकि निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, बेहतर की जा सके। सभी संवेदनशील जनपदों में एक एक खास अधिकारी तैनात किया गया है। जैसे कानपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर अजयपाल शर्मा को भेजा गया था शुरुआत में ही जब उपद्रव हुआ, उसके बाद प्रयागराज में भी आला अधिकारी पहुंचे और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जनपद हैं, उनको चिन्हित करके उनकी सूची बना के एक एक विशेष अधिकारी की तैनाती की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, स्टिल कैमरे लगाए गए हैं, जो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं वो भी लोग लगाए गए हैं। ऐसे तमाम लोग जो आसपास धर्म स्थल के आसपास रहते हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाते रहें और मस्जिदों में, मदरसों में जो भी लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया गया है। मदरसों लखनऊ में तमाम ऐसे मदरसे हैं पुराने लखनऊ में जहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया और वहाँ के जो संचालक हैं उनके साथ बिल्कुल विवेक, देखिए अब यहाँ पर जो संवेदनशील इलाका है, कोई नहीं चाहेगा कि कानपुर प्रयागराज के बाद बरेली की तस्वीरें लोगों को तनाव में डालें, इसीलिए सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स पे काम किया जा चुका है। देखना होगा कि किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।